KPIT टेक्नोलॉजीज, जहां हमारा मानना है कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल टेलविंड हमें देखने को मिला केस के थीम में, विच इज कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेगा ट्रेंड है। और इसके अंदर में KPIT एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि करंट जो R&D स्पेंड है पूरे इस ऑटोमेशन साइड में ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में, वो $20 बिलियन का, जो 5 सालों में करीब करीब $60 बिलियन तक जाने की संभावना है। और अगर से ये एक इतनी बड़ी सेक्टर टेलविंड हमें देखने को नजर आती है, तो उसके अंदर में जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनमें KPIT एक बहुत ही बड़ी फ्रंट लीडर है। करीब करीब 20 ग्लोबल OEMs के अंदर में 11 से 12 प्लेयर्स के साथ KPIT काम करती है, चाहे वो मर्सिडीज हो, BMW हो, ऑडी हो या हुंडई जैसे ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हो। और हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर में आप करंट बेसिस पे देखेंगे तो करीब 16-17% का मार्जिन आता है, जिसको ये बोल रहे हैं आने वाले समय में 18.5 से 19% का गाइडेंस इन्होंने दिया है। हमें लगता है 21 से 22% की ऑर्गेनिक कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ आने की संभावना है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया टेलविंड KPIT के स्टॉक में बन रही है। और टेक्निकली आपने देखा कि किस तरह से स्टॉक ने सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस क्रिएट किया पूरे IT स्पेस में और अपने ही पीयर्स के साथ, जैसे कि टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया बेस बन रहा है स्टॉक में, ₹800 के लेवल पे। 800 के इन स्तरों को ध्यान में रखकर, सपोर्ट जोन समझकर इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमारा मानना है स्टॉक 1050 1100 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है।